हुट्टी बाजार के समीप अंबेडकर भवन में रविवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिनेश बैठा ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठा उपस्थित हुए। बैठक के दौरान संगठन विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई, साथ ही संत गाडगे बाबा की जयंती पर राष्ट्रीय सम्मेलन करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष का चुनाव करवाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदीप कुमार रजक का चयन किया गया। बैठक में जिला सचिव दीपक रजक, संरक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा, राकेश कुमार, मनोज कुमार, धनेश्वर रजक, यमुना प्रसाद रजक, पप्पू रजक, विनोद रजक, अनिल रजक, ब्रह्मदेव रजक आदि उपस्थित रहे। जगह से आए हूँ मैं, उन सभी ने सभी अच्छे तरीके से सुने और वो कह बोले कि हर तरह से हम लोग आपके साथ हैं और हर समय आपके साथ रहेंगे और हर वक्त एक मुस्त खड़ा रहेंगे। इसी को लेकर आज हम लोग का कार्य समिति का बैठक रखा गया था और हम लोग दिशा निर्देश उनका पालन करेंगे। और सबसे पहले मैं सभी जितने भी जिले से आए हुए, मतलब गिरिडीह जिले के प्रखंड से आए हुए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और इसी तरह सहभागिता देते रहे और हम लोग का साथ दे ताकि हम लोग और उच्च स्तर पर पहुँचे और शिक्षा के लेकर बहुत आगे बढ़े। हमारा आने वाला 23 फरवरी 2022 को संत गाडगे जयंती महोत्सव मनाना है, जिसको हम लोग राजकीय सम्मेलन के रूप में मनाएंगे, जिसको लेकर आज झारखंड में पहला बैठक गिरिडीह जिला में किया जा रहा है कि 23 फरवरी का जो हम लोग कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन झारखंड में करना है वो किस तरह से हम लोग झारखंड में भी अपना परिचय, एकता का परिचय देना है, इसको लेकर पहला कार्यक्रम आज गिरिडीह में हो रहा है और इसके बाद प्रत्येक जिला में जाकर 23 फरवरी कार्यक्रम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं।